नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। साहित्य की दुनिया में एक ऐसा नाम जो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाना पहचाना नाम है, सम्यक प्रकाशन। सम्यक प्रकाशन जो हमेशा से ही प्रगति मैदान के अंदर स्टॉल्स पे अपनी स्टॉल्स लगाता है और वहाँ पे हिंदी प्रकाशन का उसे सेकेंड अवार्ड मिला है। सबसे पहले शांति स्वरूप जी, पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपको, ढेर सारा साधुवाद कि आपको ये सेकेंड अवार्ड मिला है। आपको भी बहुत बहुत बधाई इस काम की, क्योंकि ये जो अवार्ड मिला है लगातार तीसरी बार मिला है। पहली बार कांस से मिला, फिर दूसरी बार रजत चांदी का मिला और आज जो मिला है ये भी तीसरी बार रजत और चांदी का मिला है। इस साहित्य को जो आपको अवार्ड मिला है, इसको किसके लिए आप डेडिकेट करना चाहते हैं, किसको समर्पित करना चाहते हैं? समाज के लिए है ये, किसको आप इसको देना चाहते हैं सेकेंड अवार्ड जो मिला है आपको? नहीं, ये सेकंड अवार्ड जो है मुख्य रूप से सम्यक प्रकाशन को मिला है, हमारे हाथों में आया है, मगर जो यहाँ दिख नहीं रहे हैं वो लेखक 450 लेखक और करीब 30 अनुवादक और हमारा एक विशाल पाठक वृंद, ये सारा उन्हीं को इसका श्रेय जाता है। कोई किसी भी प्रकाशक के साथ इतनी ईमानदारी से, इतने समर्पण से, इतनी तत्परता से लेखकों का समूह नहीं जुड़ा हुआ है जितना सम्यक प्रकाशन को उनकी सेवाएं लेने का गौरव प्राप्त है। अनुवादक भी एक से एक है हमारे पास, तिब्बती भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, बर्मी भाषा से, श्रीलंका की भाषा से, और अभी अभी जो जुड़ी है एक नई भाषा वो नेपाल की भाषा से, बर्मा की भाषा से, बहुत अच्छे और निस्वार्थ सारे, और हमारे लेखक भी सारे निस्वार्थ हैं और वो खाली उनका भी लक्ष्य वही है जो हमारा लक्ष्य है। बाबा साहब की जो कल्याणकारी शिक्षाएं हैं, बुद्ध की या दूसरे सामाजिक क्रांतिकारियों की जो जितनी भी क्रांतिकारी शिक्षाएं हैं या मंगलकारी शिक्षाएं हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने का हमारा सबका एक दायित्व है, संयुक्त दायित्व है। हम प्रकाशक के रूप में उनको निभा रहे हैं, हमारे साथी लेखक और अनुवादक के रूप में उसको निभा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रतिसाद, ये मराठी का शब्द है, प्रतिसाद का मतलब रेस्पॉन्स, खूब रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे समाज अगर हमारे प्रकाशन का गुणगान करें तो बात समझ में आती है, मगर ये जो सरकारी संस्थान है जिसका किसी जाति से, समुदाय से, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, वो भी लगातार तीसरी बार भी अगर सम्मानित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने जिस तरीके से अपने प्रकाशनों को प्रस्तुत करने का मार्ग अपनाया है, उनकी साज सज्जा है, उसमें जिस प्रकार की कल्याणकारी शिक्षाएं हमने रखी हैं उससे भारत सरकार भी सहमत है और आगे आने वाले समय में और अच्छे तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस दे पाएँ, बहुत उपयोगी किताबें और अच्छी अच्छी किताबें दे पाएँ। अभी हमारा जो अगला वर्ष होगा वो बाल साहित्य के लिए समर्पित होगा। अगले वर्ष जब आप यहाँ आएंगे तो बाल साहित्य जो किसी भी समाज का एक आधार होता है, बालक वर्ग, उसके लिए साहित्य हम दे पाते हैं और उपयोगी, सचित्र, सरल भाषा में और सरल विषयों में, तो हम समझते हैं कि ये समाज और देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। आज इस देश को साहित्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और बाकी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी व्यक्ति को बुद्धिवादी बनाने के लिए साहित्य की ज़रूरत है। उस काम को सम्यक प्रकाशन बहुत अच्छी तरह समझता है और उसको जनता के बीच में कैसे उतारा जाए, उस बात का भी हमको बहुत लंबा अनुभव है और अगला वर्ष बाल साहित्य के लिए समर्पित होगा, ये आपको हमारा वायदा है। शांति स्वरूप जी, यूँ तो आपने बहुजन समाज के जितने भी सूरमा थे या जितने भी क्रांतिकारी योद्धा थे या जितने समाज को समर्पित थे सभी लोग, आपने सबको एक माला में प्रोने का काम करा है सम्यक प्रकाशन ने, लेकिन हमेशा बहुत सारी चीज़ें नहीं लाता रहता है सम्यक प्रकाशन। 2020 आने वाला है तो 2020 के अंदर क्या क्या नया आ रहा है वो अपने दर्शकों को ज़रूर बताएँ और जो सम्यक प्रकाशन को फॉलो करते हैं उनको ज़रूर बताएँ। देखिए, बहुत उपयोगी किताबें हैं और कई किताबें तो पिछले 8-10 साल से चल रही हैं और अगले वर्ष आ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं, थोड़ा कहना कठिन है, मगर सबसे बड़ा जो काम हमारा इस वक्त चल रहा है, एक बड़ी महत्वाकांक्षी हमारी एक पुस्तक है, उसका नाम है जहाँ जहाँ चरण धरे तथा गतने, तो वो किताब एक बड़ी औपन्यासिक आधार पर वो लिखी जा रही है, मगर तथ्य उसके सारे प्रामाणिक हैं और त्रिपिटक से लिए गए हैं, मगर उसकी प्रस्तुति एक साहित्यिक प्रस्तुति कर दी गई है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के जो समकालीन विभूतियाँ हुई हैं, महापुरुष हुए हैं, पात्र हुए हैं, उन पर कोई एक अच्छी किताब नहीं है। एक रघुनाथ जी की बुद्ध कथा किताब है जिसमें 73 पात्र हैं, मगर हमने संकल्प लिया कि इस पात्रों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। हमने कहा हम
73 के स्थान पर 100 पात्रों को सम्मिलित करेंगे। जब हमने लिखना आरंभ किया तो 100 पात्र तो चुटकी बजाते ही पूरे हो गए, 125 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, 350 हो गए, अब 400 होने वाले हैं। और जो है वो 400 पूरे हो जाएंगे अगले मेले तक, वो 400 किताब भी हमारे बीच में आ जाएगी। एक किताब है नेहरू जी की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी हैं जो हमारे बहुत काम की हैं। और दूसरा, उस किताब की भाषा भी वो नहीं है जो आज का आदमी समझता है। नेहरू जी जिस भाषा को बोलते थे हिंदुस्तानी को, जिसमें उर्दू शब्द ज़्यादा होते थे, उर्दू शब्दों से हमें कोई परहेज नहीं है, मगर आज की भाषा में हम उसको बनाने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिवाजी महाराज का बड़ा ग्रंथ जो एक इंग्लिश राइटर ने लिखा था, द शिवाजी एंड हिज टाइम्स, वो मोटा ग्रंथ है, हिंदी में अनुवाद हो चुका है, उसका काम चल रहा है, आने वाला है। तो इस तरीके से शाहू जी महाराज का वृद्ध जीवन चरित्र, उस पर काम हो रहा है, कम से कम 500 पेज की किताब आ रही है। जितने मूल निवासी नायकों पर हमने किताबें छापी हैं, इसमें निसंदेह एक रिकॉर्ड हमने बनाया है, मगर अभी भी हम बहुत सारे महानायकों पर काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में उन पर भी अच्छी अच्छी किताबें आने वाली हैं। हम जब तक जीवित रहेंगे अपनी विरासत को ढूंढ ढूंढ कर इसी वानगी के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। ये भाई सुरेंद्र जी, हमारा आपसे वायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये अवार्ड दिखा देता हूँ। ये जो अवार्ड है, ये स्ट्रीट फेयर का लोगो लगा हुआ है इस पे, और ये सर्टिफिकेट में मैं आपको दिखा दूं, ये हिंदी साहित्य 11-15 सितंबर 2019 का प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 25 दिल्ली पुस्तक मेले में हिंदी भाषा श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन में इनको मिला हुआ है। और ये सेकंड अवार्ड है जो अभी चांदी में मिला हुआ है, और हम चाहते हैं कि आप जल्दी से अगला जो अवार्ड है वो गोल्ड मिलें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।